इंडियन टेलीविजन के जब भी बेहतरीन एक्टर्स की बात होती है तो उनमें करणवीर बोहरा का नाम भी शामिल होता है। जी हाँ, करणवीर बोहरा वो अभिनेता हैं जिनकी एक्टिंग ही उनकी पहचान है। राजस्थान से माया नगरी मुंबई का सफर करने वाले और बचपन से ही एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाले करणवीर बोहरा वो अनुभवी कलाकार हैं जिनकी एक्टिंग से किसी भी सीरियल या फिल्म में चार चांद लग जाते हैं। यही वजह है कि उनके कई सीरियल इतने पॉपुलर रहे कि वो घर घर में जाने पहचाने जाते हैं। जी हाँ, फिल्मी करियर की शुरुआत बचपन में ही फिल्म तेजा से शुरू हुई थी, जिसके बाद वो टेलीविजन इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेताओं में शामिल हो गए, जिसके बाद उनके कई सीरियल आए जिनमें जस्ट मोहब्बत, आईडी, अचानक 37 साल बाद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, शरारत, कसौटी जिंदगी की, कुसुम, एक से बढ़कर एक, पिया के घर जाना है, नच बलिए 4 एंड मिस टीवी, कभी कभी प्यार, कभी कभी यार, ऐसे कई सीरियल्स हैं जिनमें उन्होंने अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा और वो इंडियन टेलीविजन के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 12 में भी नजर आए। यही नहीं, करणवीर बोहरा वो अभिनेता है जिन्होंने फिल्मों में भी अपना जलवा बिखेरा है। बचपन में तेजा फिल्म से शुरुआत करने के बाद उन्होंने फिल्म किस्मत कनेक्शन, लव यू सोनिए, मुंबई 125 किलोमीटर, पटेल की पंजाबी शादी, हमें तुमसे प्यार कितना और इजाजत, इन फिल्मों में करणवीर बोहरा ने अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा है। एक बार फिर करणवीर बोहरा अपनी नई फिल्म के साथ दर्शकों के बीच आने जा रहे हैं, जिसकी शूटिंग इन दिनों देहरादून की शांत वादियों में चल रही है। जय भारत टीवी ने इस खास मौके पर करणवीर बोहरा से बातचीत की और जाना कि इस फिल्म में उनकी क्या भूमिका है और आगे अपने दर्शकों के बीच वो किस रूप में आने जा रहे हैं। करणवीर बोहरा, ये वो नाम है जिसे कहा जाता है टेलीविजन की दुनिया का सुपरस्टार। साल 2000 में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले करणवीर बोहरा बॉम्बे छोड़कर आजकल देवभूमि आए हुए हैं। देवभूमि से इतना ज़्यादा प्यार है कि लॉकडाउन के बाद में उनकी पहली शूटिंग उत्तराखंड में हो रही है और करण का कहना है कि देवभूमि स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो कोशिशें कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो लाजवाब हैं। तो करण की ख्वाहिश ये है कि उनके प्रोड्यूसर्स उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका उत्तराखंड में दें। साल 2000 में अपने कैरियर की शुरुआत करने के बाद में ऐसा पहला एक्सपीरियंस है करण को कि उत्तराखंड देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं विदेशी यात्राएं भूल गया। तो ये सब कुछ हम करण की ज़ुबान से सुनते हैं क्योंकि वो आजकल फिल्म कुतुब मीनार की शूटिंग पर उत्तराखंड में है। करण, देवभूमि में आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जितना कहा देवभूमि के बारे में बहुत कम कहा। हमारी बात इस कैमरे से बाहर ज़्यादा हो रही थी कि एक्चुअली ये स्विट्ज़रलैंड तो बहुत छोटी जगह आपने कह दी है, बट नेचुरली कि ज़्यादातर हिंदी फिल्में वहीं पर शूट होती है, बट कहीं भी आप जाओ जैसे आउट ऑफ इंडिया, हम अलग जगह जाते हैं, एक अलग ट्रेन, एक लोकेशन के लिए, इंडिया में वो सारी लोकेशन मिलती है और देहरादून उत्तराखंड में स्पेशली ब्यूटी ये है कि इतने सारे हिल्स हैं, इतने सारे हिल स्टेशन है, इतनी मतलब, और कितनी पुरानी है, मतलब ऑलमोस्ट 100-200 साल पुराने, मतलब वो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटीफुल लोकेल्स, माउंटेन्स, स्नो, ट्रीज, मतलब हर जगह आप कैमरा लगाओ और वहाँ पर आपका एक फ्रेम बनता है। करण, लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया बंद थी तो आप भी घर में कैद थे, टेलीविज़न पे खबरों के अलावा कुछ नहीं देख रहा था, एंटरटेनमेंट में मन नहीं लग रहा था, तो ऐसे में आपके मन में क्या था कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो किस लोकेशन पर जाऊंगा, क्या सोचा था, और उसके बाद में जब उत्तराखंड आए तो उस सोच विचार में क्या अंतर आया? सबसे पहला तो आई थिंक सिर्फ मैं नहीं, आप भी और पूरी भारत जो है वो यही सोच रही थी कि घर से बाहर कैसे निकले, भूल जाओ ट्रैवल करना, बिकॉज घर में ऐसे कैद हो गए थे, हमें बाहर की हवा चाहिए थी। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, मानता हूँ, और ऊपर वाले की दुआ है कि ऐसे माहौल में जहाँ कि लोग ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा इंडस्ट्री बगैर काम की हो गई है, प्रोजेक्ट्स बंद हो गए हैं, हमें ऐसा मौका मिला है। और देखो, देवभूमि में आकर ही ऐसा मौका मिला है कि हम एक फिल्म शूट कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि मैंने मेरी फैमिली को भी इधर बुला लिया, मैं कहा कि आप बॉम्बे में क्या करोगे, आप इधर आओ, यहाँ की हवा इतनी ताज़ी है। मैं मानता हूँ कि मास्क पहनना ज़रूरी, हम सैनिटाइज़ करते हैं अपने आप को,
लेकिन ऐसे माहौल में रहकर क्या सैनिटाइज करना है, खुद ही एक सैनिटाइजेशन है यहाँ पर। जो हवा है यहाँ पे इतनी फ्रेश, इतनी ब्यूटीफुल, आई थिंक जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आए और एक रिट्रीट की तरह रहे और ठीक होकर वापस चले जाए। अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे एक चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में आप उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो आखिर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत से प्रभावित होने के पीछे क्या कारण है? एक तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, थैंक यू सो मच कि आपने कुतुब मीनार का एक मुहूर्त शॉट दिया। रियली एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत बड़ी बात है कि जो सीएम साहब हैं वो उत्तराखंड में फिल्म प्रमोट करते हैं इतनी ब्यूटीफुली के उन्होंने एक लाइन कही थी कि आप यहाँ पे आओ और एक वन विंडो स्टॉप होगा, आप परमिशन लो और आपको आपकी सब्सिडी हो जाएगी, वन विंडो शॉप, दैट्स इट, नथिंग, कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी कोई भी प्रोडक्शन है उसको कहाँ मिलेगी, यू नो, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ सो इन्वॉल्व एंड ही वॉन्ट्स कि उत्तराखंड और आई थिंक लेट द वर्ल्ड फॉरगेट स्विट्जरलैंड और हम आई थिंक उत्तराखंड को ही प्रमोट करेंगे। अब आपके करियर के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं, जस्ट मोहब्बत, कसौटी जिंदगी की और ना जाने कितने सीरियल ऐसे जिन्होंने आपको एक टीवी के सुपरस्टार के रूप में एस्टेब्लिश किया, तो आप अपने ज़िंदगी के शुरुआत के बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और आपके परिवार के लोग, क्योंकि आपके पापा आपके दादा भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो किसी और लाइन में भी जा सकते थे, फिल्म में ही क्यों आए, किस तरीके से आपका आना इस लाइन में हुआ? देखो, जब माँ की कोख से आप पैदा होते हैं तो कुछ ठान के कोई पैदा नहीं होता, लेकिन अगर आप उसी बिजनेस में हो तो वही बिजनेस आपको जाना पहचाना लगता है और कोई बिजनेस आप जानते नहीं हो। तो आई वॉज बॉर्न इन द इंडस्ट्री, माई ग्रैंड फादर श्री राम कुमार बोहरा बहुत 60s से वो फिल्म बना रहे हैं दारा सिंह जी के साथ। इनफैक्ट उनका बहुत ही मशहूर गाना है, हमें तो लूट लिया मिलके उसने वालों ने, अभी भी मतलब एवरग्रीन है। इनफैक्ट हम तो सोच रहे हैं कि संजय जी पे इतना सूट करेगा वापस को रिक्रिएट करेंगे तो। एंड देन डैड स्टार्ट मेकिंग मूवीज, उसके मतलब ऑफकोर्स डैड मेरे ग्रैंड फादर के साथ है, देन आई जॉइन माई डैड, यू नो, एंड आई न्यू कि इसी इंडस्ट्री के इर्द गिर्द ही काम करना है। तो मैंने फिर पापा को कहा कि मुझे अपने आप काम करने दो, मैं आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता लेकिन इसी इंडस्ट्री में रहना चाहता हूँ। तो फिर मैंने अपने आप एक इंडिपेंडेंट असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बीपी सिंह जी जो आहट सीआईडी बनाते थे उनके साथ मैंने शुरू किया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उन्हीं के रेफरेंस से मैंने सत्यदेव दुबे, एक बहुत ही दिग्गज थिएटर एक्टर हैं, अब वो रहे नहीं इस दुनिया में, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट थिएटर एक्टर्स एंड टीचर, तो वो मेरे गुरु रहे हैं टू लर्न एक्टिंग, तो उनके साथ जुड़ गए और तब से काम हम मतलब मैं अपने आप ही करता रहा। आई नेवर एवर टुक एनी हेल्प ऑफ माई फैमिली, बिकॉज एक वो हमेशा पता नहीं क्यों बचपन से ऐसा था कि अपने आप करना है। अच्छा करण, एक चीज़ आजकल एक टॉपिक चला हुआ है कि बॉलीवुड और ड्रग कनेक्शन को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो आपकी सोच क्या है, क्या एक दो लोगों की कथनी का खमियाजा पूरी इंडस्ट्री पे थोपा जा सकता है या पूरी इंडस्ट्री जो है उसकी गुनहगार हो सकती है, तो आपका अपना विचार क्या है जो कुछ चल रहा है इंडस्ट्री के लिए कितना दुखदाई है कितना अच्छा है? मैं ना कॉलेज से मैं जो ऑर्गेनाइजेशन में होता था, जैसे रोटरैक्ट होते हैं, रोटरी होती है, आईसेक, ड्रामेटिक सोसाइटी वगैरह, उसमें ही बहुत पॉलिटिक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो कॉलेज से ही शुरू होता है। और मेरा हमेशा ये था कि वो ऑर्गेनाइजेशन ख़राब नहीं है, बिकॉज जिस नींव से वो स्टार्ट हुई थी ना, वो एक बहुत ही नेक इंटेंशन से स्टार्ट हुई, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो छोटी सी एक ड्रामेटिक सोसाइटी हो कॉलेज की, उनके इंटेंशंस को आप देखो तो ऑर्गेनाइजेशन ख़राब नहीं होती है, कंपनियां ख़राब नहीं होती है, बिकॉज जब कंपनियां शुरू होती है, चाहे कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, एक इंटेंशन से वो शुरू होती है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हेल्दी इंटेंशन से वो शुरू होती है, एक नीयत उनकी होती है कि काम करना है। लोग जो होते हैं वो ख़राब करते हैं। अब उस कंपनी में अच्छे लोग भी होते हैं, ख़राब लोग भी होते हैं, लेकिन एक हमेशा होता है ना, मेरी मम्मी भी कहती है कि आप भले 10 में से 9 चीज़ें अच्छी कर लो, एक ख़राब होगी तो वो एक ख़राब चीज़ें याद रहेगी, तो ऐसा होता है और ये एक असूल है, एक रीत है दुनिया की। बट आई ऑलवेज फील कि बॉलीवुड द इंडस्ट्री, द फिल्म इंडस्ट्री, द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ ब्यूटिफुल। तो ये थे करण। तो करण
उनकी सोच से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करण कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं, और जिन्होंने अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ किसी का स्टारडम ख़त्म होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने की बहुत सारी वजहें हैं, उसे काम ना मिलना या उसका कारोबार ना चलना, तो उन हालात से आपको मुकाबला करना चाहिए, ना कि सुसाइड कमिट करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर करण ने देवभूमि पर आकर अपने जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, मुख्यमंत्री के उन प्रयासों की सराहना की जो फिल्म इंडस्ट्री को उत्तराखंड में एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, उसके लिए पूरे बॉलीवुड से करण और करण के तमाम साथी लोग कोशिश कर रहे हैं कि देवभूमि में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो। मोहम्मद सलीम सैफी, देहरादून, जय भारत टीवी।